भारत के नागरिक मुसलमान को CAA से कुछ नुकसान नहीं पहुंचने वाला। और विभाजन के बाद जो इतिहास हुआ है उसमें एक आश्वासन नेहरू लियाकत करार में दिया गया कि हम अपने देश की माइनॉरिटीज की चिंता करेंगे। हम आज तक उसका पालन कर रहे हैं, पाकिस्तान ने नहीं किया। और इसलिए उस समय भी हमारे लोगों ने सोचा, उसके पहले को असलम ने असलम जी भी सोचा कि सारी जनता अंग्रेजों को यहां से निकाल देने के लिए जो लड़ी वो इस कल्पना से कि पूरा भारत एक स्वतंत्र देश होगा। लेकिन आ गया विभाजन, विभाजन मान्य करते समय कोई सार्वमत नहीं लिया गया। उस समय सार्वमत लेते विभाजन को मान्यता मिलती ही नहीं, लेकिन नेताओं ने निर्णय कर दिया, जनता ने उसको मान लिया, लड़े नहीं थे उसके लिए फिर भी मान लिया। मान लिया तो उस निर्णय को मानने के कारण जिनको बेदखल होना पड़ता है, आज तक होना पड़ रहा है, उनका क्या दोष है, उनकी कौन चिंता करेगा। इसलिए उस समय के हमारे सभी लोगों ने कहा है, जैसे असम के उस समय के नेताओं ने कहा है, वैसे अन्य प्रदेशों के लोगों ने भी कहा कि भाई हमारा ये नैतिक दायित्व बनता है, क्योंकि हम कभी ऐसा विचार नहीं करते कि जो हमारे जैसे और हमारे मानने वाले हैं वही जिए, जो नहीं है ऐसे उनका क्या होता है, जो भारत के वही जिएंगे, पाकिस्तान में रह गए वहां से दुर्दशा हो रही होने दो, हमारा क्या, ऐसा नहीं है। हम तो वहां पर आपत्ति आती है तो भी सहायता भेजते हैं, आज भी हमारे जो प्रताड़ित होकर अंदर बंधुआ है उनकी बात छोड़ दो, वहां के वहां बसने वाले जो इधर नहीं आएंगे उनको भी अगर कोई आसमानी आपत्ति धराती है तो हमसे जो होती है सहायता हम करते हैं, पड़ोसी देशों को कितने बार की है, वहां भी करेंगे। और इसलिए साथ रहना चाहिए, लेकिन यह खतरा नहीं रहना चाहिए। ऐसी हमारी सोच है। और ये समस्या हुई क्यों, तो 1930 से योजनाबद्ध रीति से और मुसलमानों की संख्या बढ़ाने के प्रयास हुए। उसका कारण जैसा बताया गया भी कि कोई संतरास था इसलिए इधर आके यहां संख्या बढ़े ऐसा था, ऐसा नहीं। इकोनॉमिक कोई आवश्यकता थी ऐसा नहीं। एक योजनाबद्ध ऐसा विचार था कि जनसंख्या बढ़ाएंगे, अपना प्रभुत्व अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे और फिर इस देश को पाकिस्तान बनाएंगे। ये पूरे पंजाब के बारे में था, ये सिंध के बारे में था, ये असम के बारे में था, ये बंगाल के बारे में था। कुछ मात्रा में सत्य हो गया, भारत विखंडन हो गया, पाकिस्तान हो गया, लेकिन वो जैसा पूरा चाहिए था वैसा नहीं मिला। आसाम नहीं मिला, बंगाल आधा ही मिला, पंजाब आधा ही मिला, बीच में कॉरिडोर चाहते थे वो नहीं मिली। तो फिर जो मांग के मिला वो मिला, अब इसको कैसे लेना, ऐसा भी विचार चला। और इसलिए फिर दो प्रकार हो गए। कुछ लोग वहां से आते थे पीड़ित संतरस्त होकर आते,